तो नाबू और मम्मा निकल चुके हैं वॉकी वॉकी करने। गोलू बोलू आ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो अभी सबका ब्रेकफास्ट टाइम चल रहा है, गोलू को खिलाया, अभी भोलू खा रहा है। सबसे पहले मैंने विस्की को खिलाया, क्योंकि विस्की का ऐसे है ना कि विस्की ना खाना बहुत खाती थी पहले, तो अभी उसका थोड़ा खाना कम हो गया। अभी वो सिर्फ उतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ें खा रही है। पहले तो क्या, पहले तो सिंपल फीड भी खा लेती थी खुश होके, लेकिन अब वो मतलब टेस्टी चीज़ों से नीचे पैर ही नहीं रख रही है। अच्छा, मम्मा को ना नाबू से कुछ बात करनी है, ठीक है? और नाबू का फेस देखो, नाबू को मम्मा को इग्नोर करना है। लेकिन मम्मा तो आपसे बात करके रहेगी ना, ये देखो। मम्मा को नाबू को पार करना था और नाबू मम्मा से बचता फिर रहा है। क्यों? क्योंकि नाबू अभी वॉकी वॉकी करके आया है, तो नाबू को स्पेस चाहिए थोड़ा सा। तो हमारे घर पे एक और नया खर्चा आ गया, पार्क को साफ करने वाली दीदी फिर से आ गई। तो आज नाबू फाइनली नहीं करेगा। और गाइस, मेरी आवाज को अवॉइड करना। और ये रुद्राक्ष की माला एक उतर गई है, दूसरी तुलसी की है, और जो तुलसी की माला है हमारा धार्मिक नाबू। इतने मजे आते हैं मसाज कराने में, तो पलट पलट के कराता है, चाहे पूरा दिन करते रहो ना तब भी ना निकलेगा। मैं तो नहा धो के नोना बेबी बन गया, और मैंने आके देखा तो रोहन अपने लिए इतना टेस्टी सा ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, क्योंकि आज मेरा फास्ट है चलाने के लिए। तो भाई सैंडविच और ये चने, इधर बादाम भी भिगो रखे हैं, दूर से देखने पे ऐसा लग रहा था ये कुछ और ही। अच्छा जी, चीज बरसाया जा रहा है आज ही। गाइस आपको आज ही बनाना था ये टेस्टी, जब मेरा फास्ट है। गाइस हम बीमार हैं, हमारा ना मन कर रहा है कुछ चटपटा टेस्टी खाने का। तो गाइस आपने खाए तो थे रात आलू टमाटर टेस्टी चीजें। दिस नाइस चीज डाली है मैंने, और इसके बाद सब्जी वेजिटेबल्स। गाइस ओके, गाइस वेजिटेबल्स डाल दिए। पहले मैंने चीज डाली इस पे, फिर मैंने वेजिटेबल्स डाली मैंने इस पे, और फिर मैं डाल रहा हूं चीज स्लाइस। गाइस आप इतना टेस्टी क्यों बनाए जा रहे हो उसको? गाइस नहीं बना रहे हैं टेस्टी। गाइस ये बिल्कुल टेस्टी बनता जा रहा है, और मेरे मुंह में पानी आता जा रहा है ऐसे। तो नवाब साहब का नहाई नहाई स्नान गृह स्टार्ट हो चुका है। और बिल्ली इस टाइम पे बिल्कुल बिल्ली लगता है तू, बड़े साइज की। पापा आज ये वाला ग्लास इसलिए यूज कर रहे हैं कि पापा को पानी नहीं लगाना है। हाँ, हमारे पास सामान सब है। दूध सी सफेदी निर्मा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निर्मा। तो अब नाबू जी को शैम्पू के बाद में अप्लाई हुआ है कंडीशनर, और ये रहा हमारा पल पल कंडीशनर। पल शैम्पू भी कंडीशनर भी, दोनों पल है मेरे बेटे के, कलर कॉन्शियस है मेरा बाबू। अब नेक्स्ट जो हम शैम्पू लाएंगे वो नाबू का पिंक कलर का लाएंगे, है गुड्डू। तो अब नाबू सन बाथिंग कर रहा है कंडीशनर लगा के। ये देखो इसको देखो, इंडिपेंडेंट है लड़का, भी देखना ये, अभी देखना ये कर। तो फाइनल टच रेडी, बिल्ला नहा चुका है, अब सूखेगा। तो शहंशाह आ चुके हैं नहाई करके। तो अजीनो शान शहंशाह जा रहे हैं थोड़ी सी सुखाई करने, पार्क में छांव में बिठा के इसको अच्छे से रब कर दो। नाबू को ना करंट लगा था इन वाली स्टेयर्स पे एक दिन, तब से वो जाता नहीं है। तो ये लोमड़ी तो आ गई, ये रहा। इसे बोला आपको नहीं गए। ओ सूख गया था थोड़ा सा, अच्छा पानी तो पी लिया। अच्छा पानी पी लिया, आके पानी पीने आया था। पानी पीने आया था। तो मेरा बेटा फाइनली
आ गया और गया कितनी जोर से, उसके ऊपर से जंप करके आया है। अब जाके ना अंदर की रोहन जाके ना रोहन की वाट लगाएगा। लोग निकले हैं विस्की के लिए कुछ करने और आपको व्लॉग में दिखी जाएगी। और इधर ही मुझे ना इसकी कुछ सुगर आ रही है और नाबू ऐसे कि मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल जाऊंगा ही जाऊंगा। कितना मुश्किल है यार इस बच्ची के लिए। तो अब हम लोग निकल गए हैं विस्की के लिए, कुछ करने जा रहे हैं हम लोग। तो आप लोग भी साथ में बने रहोगे तो आपको भी पता चलेगा कि कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो इधर विस्की लेटी हुई है और नाबू को मैं दिखाती हूँ नाबू बेचारा कहाँ पे एडजस्ट कर रहा है, क्योंकि नाबू को नहीं छोड़ सकते थे हम इतनी देर, क्योंकि हमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो बच्चा रोज रोज अकेला रहता है, हमें खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, तो आज हम नाबू को साथ में लेके आए हैं। तो ये देखो मेरा गुड्डू कहाँ पे मैनेज कर रहा है। होगा किसी का बच्चा इतना शांत इतना समझदार। उधर पीछे विस्की लेटी हुई है और विस्की इसको अलाउ नहीं कर रही है अपने आसपास में, घर में भी नहीं अलाउ कर रही है। तो ये तो गाड़ी है छोटी सी जगह। तो यहाँ पे मैंने अपने बच्चे को मैनेज किया हुआ है, आराम से लेट के जा रहा है। देखो तो हम लोग पहुंच गए जहाँ हमें आना था, लेकिन नाबू ने क्या हुआ, नाबू आते ही फ्रेश हो गया तो पोटी उठा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए जहाँ पे हमें आना था। अब यहाँ पे अपना काम और मेहनत दोनों शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा इसको लूज छोड़ना। हाँ नाबू ऐसे टाइट टाइट सा लग रहा है। अरे सब चेक कर रहे हैं। हेलो मैम, ऐसे चेक कर रहे हैं कि ठीक है ना मेरा ऑफिस, ठीक है ना। वो उसका भी नीचे छोड़ा हुआ है। अरे शिट, इसका सिर लगा शीशे में। इसीलिए मजल लगाएगी क्योंकि बाइट कर ले रही है इसका ना, कभी कभी होता है ना, ये दोनों तो बिल्कुल भी काम नहीं होता। ये एक काम करो जो ये कभी कभी ऐसे कर लीजिए। डॉक्टर बोल रहे हैं कि ये तीसरा पैर भी जा सकता है, चांसेस हैं अगर एक्सरसाइज नहीं हुई कम्प्लीट मिक्स है उसकी। आप कम्प्लीट इसकी एक आँख नहीं है, बिल्कुल आई बॉल ही नहीं है। जिस दिन मिली थी ना मेरे को सड़क पे, उस दिन तो ऐसे लग रहा था गली ही पड़ी है बिल्कुल। मैं उठा के जब लाया ना इसको, ऐसा लग रहा था कि ये तभी मर जाए और फिर कम्प्लीट एक्टिव होगी, सही होगी। एक दिन एडॉप्शन में और फिर ये वाले वीज लगा रखे हैं ना, ये वाले भी लगाएंगे। वो छोटे भी इसको खींचने में दिक्कत होगी, बड़ा भी इजीली चलेगा साइकिल की दुकान से। जितना भी बड़ा होगा इजीली चलेगा, बड़ा इजीली चलेगा, छोटा इजीली चलेगा, बड़ा इजीली चलेगा, बड़ा इजीली चलेगा। आज आप ऑफिस आप संभालोगे मैं नाबू। दोनों शक्ल देखो, इसकी एक्सप्रेशन देखो इसके, क्या मम्मा डिस्टर्ब कर दिया, इतनी अच्छी एसी चल रही है यहाँ पे, है ना, कितने मजे से बैठा है। में जब हमने व्हील चेक किए तो व्हील सारे छोटे छोटे थे जो चेयर में लगते हैं, लेकिन उससे हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। तो विस्की के लिए जो टायर चाहिए वो थोड़े बड़े चाहिए, बड़े टायरों के साथ क्या है ना कि वो अच्छे से चल पाएंगे। तो लेट्स सी, मैं अभी मार्केट निकला हूँ, मार्केट निकल के मैं देखता हूँ कि उसके लिए किस तरीके के टायर मैं ढूंढ पाता हूँ। तो बाकी बने रहो ब्लॉग में, हम बनाएंगे कुछ ना कुछ। यहाँ पे निकाल रहा है पहिए भाई, जो छोटा साइज हो ना वही वाला साइज निकालो, उधर वाला ही बेटर। दूसरी दुकान पे टायर लेने भाई ना जुगाड़ करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि हमारे पास में दो टायर तो मिल गए हैं सही वाले, दो तीन जगह हम घूम के आए, दो टायर इज ओके। बट दो टायर में क्या है कि थोड़ी सी दिक्कत है, अब आगे वाले छोटे हैं पीछे वाले बड़े हैं, बट वो चलो मैनेज करेंगे। लेकिन अभी क्या है हमें इनका एक्सल बैठाना पड़ेगा। तो भाई ना इसमें ग्रीस व्रीस लगा के पूरी गोलियाँ वोलियाँ फिट कर रहे हैं ताकि ये स्मूथ चल सके, देख रहे हो, मतलब ताकि अगर वो अपने पैर चलाएगी ना तो उसको बिल्कुल ऐसे स्मूथ फील हो। टायर ले लिए, चारों टायर हो गए रेडी, और इन भाइयों को थैंक यू जिन्होंने जुगाड़ करके दिया है ना। चलो
मेहनत और मशक्कत के बाद में ये टायर मिल गई और अभी जाके बाकी जो मेजर काम है वो स्टार्ट करना है। लेकिन आई होप आज हम करा के ही जाएंगे क्योंकि वो बच्ची ना बहुत पेन में है, उसके पेन के सामने ना ये गर्मी, ये पसीना, ये कुछ भी नहीं है। तो फाइनली पहुंच गए हैं ये रिम सारे फैक्ट्री और अभी ये फैक्ट्री में काम इसकी स्पेशल। हाँ सब सब लेके आए, सब सब कुछ लाए हैं। आ गया। ये पता क्या कर रहा था अंदर कमीने, तो किसी काम से है, काम तो करवा ले। बहुत हॉल कर रहा है, खुश हो के जाओ, सो जाओ, सो जाओ। अच्छा बोल रहा है तुम्हें तो यहाँ इधर। अच्छा इस साइड चारा रखा हुआ है तो चारा खा खा के जा रही है। अच्छा मैं यही पोटी साफ कर रहा था अभी थोड़ी देर। हाँ जब नवाब ने सीमेंट की मदिया बना दी थी मैंने ना, तो बहुत ही बना दी मैंने, तो लोग फिर उठा के तोड़ के चले जाते। देखो राम कटोरी भी आ गई। नाबू पापा कहाँ गए? रोहन नहीं दिख रहे, पापा देखने गए हैं वो व्हील चेयर जो बन रही है। देखना जैसे रोहन को वैसे देख रहे हैं, पापा कहाँ गए? आ रहे देखने गए कितना बन गए। तो ये देख रहे हो आप छोटी सी चीज के लिए कितना बड़ा प्रोसेस है, कितनी मेहनत के बाद ही बनवाया जा रहा है। क्या हुआ है नाबू, क्या हुआ है मुझे बताओ क्या हुआ है? तो नाबू यहाँ अंदर ऑफिस में है क्योंकि एकदम तगड़ी वाली एसी चल रही है। और मैं दिखाती हूँ विस्की कहाँ, विस्की कहाँ पे, विस्की है यहाँ पे। हाँ एक सेकेंड ना, रोहन गए हुए नीचे प्रोडक्शन वाली जगह पे जहाँ पे उस मान में। ओ विस्की यहाँ पे, क्योंकि विस्की को ठंड लग रही थी अंदर एसी में। हाँ आ गया लो मम्मा की पकड़ से भाग गया। देखो कहाँ पूरा भागा फिर रहा है। नाबू हो गया तेरा, तेरे ताऊ की फैक्ट्री है तो तू कुछ भी करेगा तू। तो अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि जो हमारा काम था ना उसको टाइम लगेगा। हाँ ना बुझा। अच्छा तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि विस्की कहाँ घूम रही है फैक्ट्रियों में, तो हम यहाँ पे आए हैं। कैमरा देखते ही सारे तीतर बीतर हो गए। सर आ जाओ नवाब सर। तो ये देखो व्यू कितना जबरदस्त है, सूरज देवता भी अपने घर जा रहे हैं और हम लोग भी अपने घर जा रहे हैं। सुबह से पता है हमने जब ये ऑनलाइन देखी ना तो हमें दो जगह मिली, एक तो दिल्ली में और एक भोपाल में, तो दोनों ने 7-7 दिन का टाइम मांगा इसको बनने के लिए। लेकिन जब यहाँ पे बना रहे हैं तो ये विस्की के साथ साथ हम मेजरमेंट भी ले रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं ना, तो थोड़ा प्रैक्टिकल उस पे जाके पॉइंट पे कि हम ऐसे कर सकते हैं वैसे कर सकते हैं, हम लोग ये उसके अकॉर्डिंग कर रहे थे। लेकिन इतना बिजी नहीं है उसे बनाना, मतलब सोचो उसमें 6-7 घंटे तो निकल गए अभी वो लगे हुए हैं और अभी वो कल तक बनेगी, मतलब वो इसके अकॉर्डिंग कस्टमाइज होगी। तो अभी हमें आज जो रेबीज की सेकंड डोज है वो भी लगनी है और विस्की का चेकअप भी कराना है, तो विस्की को भी चेकअप करा लेंगे और रेबीज की डोज भी लग जाएगी, फिर उसके बाद भी थर्ड डोज लगनी होगी। और हमें ना शाम हो गई है और अंधेरा ही हो जाएगा शायद घर आने तक, क्योंकि रात हो जाएगी ना रोन, रात तो हाँ रात हो ही गई है। ये रही ना इधर है चाबी। ओके मैम, ओके। तो रोहन ने ना हमें बीच रास्ते में बाय स्वीट टू, एक सेकंड, तो रोहन ने ना आज हमें आधे रास्ते में छोड़ दिया है। हम लोग आए वापिस तो विस्की को लेके जा रहे हैं रोहन,
और हम अपनी वॉक वाली जगह पे उतर गए, है ना। ये देखो हमने ना वो काम दिमाग वाला काम किया है। और अभी पता क्या होगा, लेकिन अभी पता क्या होगा, अभी गोलू भोलू देखेंगे जब मैं घर जाऊंगी तो गोलू भोलू बोलेंगे कि दीदी गद्दारी करवे हैं, कब में चले गए, आज तो हमें यही नहीं पता चला। पक्का बोलने वाले हैं कि गद्दारी करवे। तो हम लोग ना घर पहुंच गए हैं। ये देखो ये आगे तीनों आ गए, आगे आगे आगे। हाँ हाँ कालू, ये देखो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, पकड़ लिया पकड़ लिया। कह रहे कहाँ गए थे भैया, कब गए थे ये। हाँ कालू दरवाजा लॉक, कालू लॉक बंद है आपका, कैसे लेके आओ बताओ यार, कोई समझाना इसको। इसके घर का लॉक लगा हुआ है, इसके पापा ऑफिस गए हुए और ये लगा पड़ा है। हाँ आज ना हम ऐसे गए कि तुम लोगों को पता, तो हम लोगों ने कपड़े चेंज कर लिए रोहन का निकर, देखो विस्की को बिठा दिया गाड़ी में फिर से। हाँ मेरी भी यार पूरा दिन, तो मैं दरवाजा खोलती हूँ, अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो रोहन बोल रहे हैं विस्की को कि विस्की भी बेचारी ये सोचती होगी मेरे को पता नहीं कहाँ कहाँ खींचते रहते हैं ये। तो हम लोग ना अंधेरा हो गया हमें, क्योंकि हमारे डॉक्टर जो है ना बहुत दूर शिफ्ट कर गए हैं, तो हमें बहुत दूर आना पड़ता है। भाई साहब सो मच छिपकलियाज, सो मच पाल रखी है तुम लोगों ने, आप लोगों ने छिपकलियाज पाल रखी है, आप लोगों ने छिपकलियाज पाल रखी है। हमने थोड़ी पाला मैम, इधर बारिश होती है इनके लिए भोजन आते रहते हैं। कितनी सारी छिपकलियाज, क्योंकि कार्ड भी अगर बनवा रहा हूँ तो कार्ड में एटलीस्ट तब काम करेगा ना, जो थोड़े अगले भी अगला भी सपोर्ट करना चाहिए, अगला पैर चलना चाहिए, अदरवाइज पे चारों पहियों पे तो इसे कहीं भी खींच रहा हूँ। देखो ना अगले पैर भी मतलब ऐसा नहीं कि स्टेबल होकर खड़ी हो रही है, क्लिनिक भी अभी बंद करा के जा रहे हैं। तो गाइस टाइम हो चुका है 10:30 से भी ज्यादा, और आप और इस बच्ची को देखो यहाँ पे विश्कू, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है गाइस कि जैसे ना अब ये जीना नहीं चाहती, अब ना हम इसे जबरदस्ती रखना चाहते हैं, हम इसके पीछे जबरदस्ती पड़े हैं कि नहीं तुझे सही होना है, बट ऐसा लग रहा है कि ये ना अपनी उम्मीदें छोड़ चुकी है। अभी पता है 10:40 के आसपास हो रखा है और हम जस्ट हॉस्पिटल से निकले, एंड वी आर सीरियसली थैंकफुल टू पंकज सर कि वो हमें इतना कोऑपरेट करते हैं, अदरवाइज 11:45 बजे तक इतनी देर उन्होंने एक्सरसाइज भी कराई इसकी, थेरेपी फिजियोथेरेपी की, है ना। तो वी आर रियली थैंकफुल पंकज सर, आप व्लॉग देख रहे हो, लाइक आपके बच्चे देखते हैं, आप तो कहीं नहीं देखते हो तो सच में थैंक यू। और वो दोनों लड़के भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सच में सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। चुके हैं घर, लेकिन आज इनमें से दोनों में से एक रह गया अंदर, और अब जो ये अंदर रहा है अब इसने पता नहीं क्या क्या काटा होगा, सीरियसली ये देखो जो डांट रही है, देखो दिख गया सामने कट्टा बाहर पड़ा हुआ। वैसे तो आज हमारी लोमड़ी हमारे साथ ही थी और ये पूरे दिन सोई भी नहीं थी, लेकिन तो हमने सोचा कि रेस्ट कर लेगा, लेकिन लेकिन एसी चला के गए थे और देखो साथ ही तो थे आप, साथ ही तो थे, साथ ही तो थे आप। तो हॉस्पिटल से आने के बाद में सीधा मैंने उठाया खाने का कट्टा और आगे बच्चों को खाना खिलाने के लिए, और आज मेरी भी तबीयत खराब हो गई, मुझे भी ना कोल्ड हो गया और गला पकड़ा गया, तो 3-4 दिन के लिए मेरी भी हालत ख़राब। मैं अब यहाँ से फटाफट खाना खिला के जाऊँगी घर और खाऊँगी दवाई, क्योंकि मेरे को भी कोल्ड और गला ख़राब हो गया मेरा, तो 3-4 दिन तो मेरे भी ख़राब हो गए। और रोहन की जो इम्प्रूवमेंट है वो थोड़ी सी हुई है, क्रीम वगैरह लगा रहे हैं, दवाई भी खा रहे हैं, और जो विस्की को आज हम लोग लेके गए थे तो उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र आ नहीं रही है, बाकी उसके लिए कोशिश कर रहे हैं एक कि वो उस थोड़े से एक्सरसाइज कर पाए, तो कुछ बनवा रहे हैं उसके लिए। बाकी आप लोग ब्लॉग देखो, मैं ब्लॉग देखने से पहले ना इसको देख लो, दिख रहा है ये, मैं इधर ब्लॉग बना रही हूँ भाई साहब, दूसरे हाथ से मेरा देखो देखो मेरा हाथ चाट रहा है, देखो मैंने आप अच्छा चलो एक काम करो, आज जो ब्लॉग है ना, सुनो सुनो, आज जो ब्लॉग है वो ब्लॉग की एंडिंग करेगा हमारा गोल्डी। तो चैनल को क्या बोलना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, कॉमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है, और ऐसी प्यारी प्यारी शक्ल बनानी है गोल्डी के जैसी। चश्मे पे मार दिया मेरे, चश्मे पे मार दिया मेरे, चश्मे पे देखना कितना खुश हो रहा है फोन को देख के, देखना देखना देखना